गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दिस इज योर एक्टिविटी पीरियड एंड इन टुडेज एक्टिविटी वील डिस्कस समथिंग अबाउट इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। सो चिल्ड्रन, हु आर डेफ पीपल? डू एनी ऑफ यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डेफ? सो डेफ पीपल आर द वंस हु आर नॉट एबल टू हियर। डेफ कौन होते हैं? जो लोग सुन नहीं पाते, जो लोग सुन नहीं सकते, वो कौन होते हैं? डेफ। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ इज सेलिब्रेटेड एनुअली बाय द ग्लोबल डेफ कम्युनिटी ऑन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर ईच ईयर। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ हर साल सितंबर के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर के लास्ट वीक में हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। दिस ईयर लास्ट वीक ऑफ सितंबर इज 21 to 25। इस ईयर सितंबर का लास्ट वीक कब से है? 21 से 25 सितंबर तक। क्या है? लास्ट वीक। सो इस लास्ट वीक में हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। नाउ हियरिंग लॉस इज अ पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी टू हियर। हियरिंग लॉस क्या होता है? कोई कोई लोग होते हैं जो कम सुन पाते हैं, बट कोई कोई लोग क्या होते हैं? जो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, मतलब वो थोड़ा कम सुनते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते। तो वो लोग कैसे बात करते होंगे, वो लोग कैसे दूसरों की बातें समझते होंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। हियरिंग लॉस मे बी प्रेजेंट एट बर्थ और एक्वायर्ड एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स। हियरिंग लॉस किसी किसी को बर्थ के टाइम से ही हो जाता है, किसी किसी को वो प्रॉब्लम बर्थ के टाइम पे ही हो जाती है, बट किसी किसी को बर्थ के बाद किसी भी एज में हो जाती है। ओके, हियरिंग लॉस में अकर्ड इन वन और बोथ ईयर्स। हियरिंग लॉस कभी किसी किसी के वन ईयर में होती है, किसी किसी के दोनों ईयर्स में हो जाती है। कोई कोई सिर्फ एक कान से नहीं सुन पाता है, बट कोई कोई दोनों कान से नहीं सुन पाता है। हियरिंग लॉस कैन बी टेम्परेरी एंड परमानेंट। किसी किसी को ये प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए हो जाती है, बट किसी किसी को ये प्रॉब्लम परमानेंटली हो जाती है, वो कभी नहीं सुन पाते। नाउ चिल्ड्रन, हाउ डेफ पीपल टॉक? कैसे बात करते होंगे वो? वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते होंगे, बताइए? दे टॉक और एक्सप्रेस देयर सेल्स बाय थ्रू सम एक्शंस। उनके कुछ एक्शंस होते हैं जिनसे वो अपनी बातें समझाते हैं और दूसरों की बातें खुद समझते हैं। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू सम अल्फाबेट्स ऑफ डेफ, मतलब वो कैसे उन अल्फाबेट्स को बताते होंगे, कैसे उनसे उनको एक्सप्रेस करते होंगे। ओके, सो क्लास, दिस इज ए, दिस इज अल्फाबेट ए, दिस इज बी, अल्फाबेट बी, दिस इज सी, अल्फाबेट सी, दिस इज डी, अल्फाबेट डी, दिस इज ई, अल्फाबेट ई, दिस इज एफ, अल्फाबेट एफ, दिस इज जी, अल्फाबेट जी, लाइक दिस। ओके, दिस इज एच, टू फिंगर्स खोलेंगे तो एच, दिस इज अल्फाबेट एच। नाउ दिस इज अल्फाबेट आई, दिस इज अल्फाबेट जे, दिस इज अल्फाबेट के, दिस इज अल्फाबेट के, दिस इज अल्फाबेट एल, दिस इज अल्फाबेट एल। नाउ दिस इज अल्फाबेट एम, दिस इज एम, नाउ दिस इज अल्फाबेट एन, दिस इज अल्फाबेट एन, दिस इज अल्फाबेट ओ, दिस इज अल्फाबेट ओ, दिस इज अल्फाबेट पी, दिस, दिस इज अल्फाबेट P, this is alphabet Q, this is alphabet Q, हमारा हाथ ऐसे रहेगा, this is alphabet Q, this is alphabet R, this is
अल्फाबेट आर, दिस इज अल्फाबेट एस, दिस इज अल्फाबेट एस, नाउ दिस इज अल्फाबेट टी, दिस इज अल्फाबेट टी, दिस इज अल्फाबेट यू, दिस इज अल्फाबेट यू, दिस इज अल्फाबेट वी, दिस इज वी, दिस इज अल्फाबेट डब्ल्यू, दिस इज अल्फाबेट डब्ल्यू, दिस इज अल्फाबेट एक्स, दिस इज अल्फाबेट एक्स, नाउ दिस इज अल्फाबेट वाई, दिस इज वाई, एंड दिस इज अल्फाबेट जेड, दिस इज अल्फाबेट जेड. अब आप बोलेंगे मैम आपने तो डी भी ऐसे बताया था, डी में हमारी फिंगर्स एंड थंब ऐसे रहेगा एंड दिस इज डी एंड दिस इज जेड. ऑल राइट, दिस इज जेड. नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ योर सेल्फ. फर्स्टली स्टार्ट द वीडियो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लाइक माई नेम इज नमीरा, आई एम इन क्लास थर्ड और सेकेंड. एंड देन यू हैव टू टेल मी योर नेम थ्रू दीज एक्शंस. जो अल्फाबेट्स अभी मैंने आपको सिखाए हैं इनके थ्रू आप मुझे अपना नाम बताएंगे. सपोज माई नेम इज नमीरा, एन ए एम ई ई आर एंड ए, दिस इज द नेम, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम नमीरा. सो फर्स्ट लेटर इज एन, फर्स्ट लेटर इज एन, सो दिस इज एन, देन ए, देन एम, देन ई, अगेन ई, एंड देन आर, एंड देन ए. So this is my name, Namira. Okay? So now you all have to make a short video of yourselves telling your name through these actions. Okay? So that's all for today's class. Thank you so much. Take care. Bye-bye.